लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रही श्रुति चौधरी के लिए उनकी मां व सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने दादरी जिले में कांग्रेसियों को एक मंच पर ले जाकर ताकत दिखा दी। दादरी के ऐतिहासिक हीरा चौक में बीती रात किरण चौधरी के साथ कुलदीप बिश्नोई सहित पूर्व विधायकों ने मंच पर एकजुटता का परिचय दिया। सभी कांग्रेसियों ने श्रुति चौधरी के लिए वोट की अपील की और कहा कि कांग्रेस एक है और ये एकता भाजपा का सफाया करने के लिए काफी है। कांग्रेस सभी सीटों पर विजय दर्ज कराएगी। ये दादरी शहर का हब है और ऐतिहासिक चौक है और इस चौक ने हमेशा इतिहास रचा है। तो आज आपने देखा कितनी भारी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और बहुत उत्साहित होके उन्होंने सबने कांग्रेस पार्टी के समर्थन के अंदर अपना वो दिया है, समर्थन दिया है। आने वाले समय में मैं समझती हूँ श्रुति चौधरी भारी मतों से जीत के निकलेगी। कुलदीप जी का भी इस इलाके से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो मांग थी उनकी, इसलिए कुलदीप जी को यहाँ पर आए अपने समर्थकों के बीच में। उनसे सबसे उन्होंने वोट मांगी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भाई सारे लोग जो हैं उनको बुला के यहाँ राजी थे, तो उनको बुलाया, उन्होंने समय दिया, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा का सारा तब होता है जब सरकार का अंकुश नहीं होता, नहीं तो किस वो कहते हैं ना, किस गुंडे की मजाल की वो ये काम कर दे भाई। अगर सरकार तगड़ी हो तो डंडे मार के इनको बाहर करे। देखिए, मैं श्रुति जी के लिए आया हूँ यहाँ पे और श्रुति सबसे बेहतरीन कैंडिडेट यहाँ पे है और सभी मेरे कार्यकर्ता और नेता जो भिवानी महेंद्रगढ़ के हैं उनसे मैं प्रेस के माध्यम से भी प्रार्थना करता हूँ कि श्रुति जी को जिताएं, कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस मजबूत होगी जो देश मजबूत होगा। क्या मान? देखिए, भाजपा ने सिर्फ भेदभाव किया है पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ, राजनीतिक धोखा किया जनता के साथ। जितने भी वादे किए, चाहे काले धन के थे, 15 लाख के थे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के थे, व्यापारियों के थे, सबसे विमुख काम किया। और जिस तरीके से वो सेना के नाम पे वोट मांगते हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सैनिक देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, उसका सम्मान होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई बार तो हर आदमी कोई ना कोई काम पहली बार ही करना पड़ता है और लेकिन भव्य नया नहीं है वहाँ। 3 साल से लगातार लोगों से जुड़ाव है और लोगों की मांग पे ही राहुल जी और प्रियंका जी ने उनको टिकट दी है और 1 लाख वोट से कम जीतेगा और यहीं दादरी में हीरा चौक में लाके इन सब का आशीर्वाद दिलवाऊंगा। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।